हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद पवन सर में। और गाइस, आज मैं लेकर के आया हूँ रिलेटिव प्रोनाउन की पार्ट सेकंड में वीडियोस, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे गाइस हुम एंड व्हाट का यूज़। इससे पहले वाली जो पार्ट वन था उसमें मैंने आपको हु एंड विच का यूज़ समझाया था। सो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे हुम एंड व्हाट का यूज़ एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखिए, आप लोग यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूँ हुम का यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, और हुम का जो हिंदी सेंस होता है गाइस वो होता है जिसको और जिसे, जिसको और जिसे, और हम लोग कहीं कहीं पे इसका यूज़ करेंगे जो। ठीक है, तो एक बार थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं गाइस। हु के ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में, किसके, हु के ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में हम लोग हुम का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, किसके, वो के ऑब्जेक्टिव रूप जो होता है, वो के ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में हम लोग हुम का यूज करते हैं। और ये भी स्पेशली गाइज पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में जो आप लोगों का ब्लैंक रिक्त स्थान दिया होता है ना, उससे पहले यदि कोई पर्सन दे रखा हो, व्यक्ति दे रखा हो, और उस ब्लैंक के रिक्त स्थान के तुरंत बाद आप लोगों को दे रखा हो पर्सन प्लस वर्ब, व्यक्ति प्लस क्रिया दे रखा हो, तो आप लोग वहाँ पे यूज़ करोगे हुम का। फिर से समझना, अगर रिक्त स्थान से पहले आपको कोई पर्सन दे रखा हो, रिक्त स्थान से पहले, और रिक्त स्थान के तुरंत बाद क्या दे रखा हो आपको, कोई व्यक्ति या फिर क्रिया, यानी पर्सन प्लस वर्ब, तो वहाँ पे आपको हुम का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए इसके, इसके एग्जाम्पल देखिए, एक तरीके से ये फॉर्मूला, ये ट्रिक याद रख लीजिए आप लोग। ये आप लोगों का ब्लैंक है, इससे पहले देख लीजिए ये पर्सन आ गया, और इसके बाद में क्या आ गया आपको अभी मैंने बताया था, पर्सन प्लस वर्ब। ठीक है ना, और वर्ब आपकी कोई भी हो सकती है, या वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, या वो मैन वर्ब हो सकती है। इसका एग्जांपल देखिए, एक द गर्ल, ये आप लोगों का हो गया गाइज पर्सन। ठीक है, द गर्ल हुम आई लाइक, अब ये हो गया आप लोगों का पर्सन प्लस वर्ब। अब वर्ब मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मैन वर्ब भी हो सकती है। फिर से सुन लीजिए, द गर्ल हुम आई लाइक डज नॉट लाइक मी, लड़की जो, लड़की जिसे मैं पसंद करता हूँ डज नॉट लाइक मी, वो मेरे को पसंद नहीं करती। तो जिसे, हुम का सेंस क्या है यहाँ पे, जिसे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखिए इसका, दिस इज ए बॉय, ये आप लोगों का पर्सन आ गया, ये आप लोगों का ब्लैंक हो गया। ठीक है, और इसके बाद देख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों का हो गया पर्सन, और ये हो गया आप लोगों के वर्ब, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, ये इस पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज़ अ बॉय हुम आई वांट टू सी, ये वही लड़का है जिससे मैं मिलना चाहता था, टू सी मतलब देखना चाहता था, इट मीन्स मैं मिलना चाहता था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए गाइज नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज कोमल हुम यू मैट एट माई पार्टी लास्ट वीक, तो यह कोमल है जिसे आप मिले थे एट माई पार्टी, यानी मेरी पार्टी में लास्ट वीक, यानी लास्ट सप्ताह, यानी पिछले सप्ताह को, पिछले सप्ताह में आप कोमल से मिले थे, तो कोमल जिससे। ठीक है, तो ये हुम आपने यूज़ किया, और मैंने जो ट्रिक बताई थी, जो आपको समझाया था, ये हो गया आपका पर्सन, और ये हो गया आप लोगों के पर्सन प्लस वर्ब। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल, द बॉय हुम सीमा टॉट गॉट फर्स्ट डिवीज़न, तो ये आप लोगों का पर्सन, ये आप लोगों का पर्सन प्लस वर्ब, पर्सन प्लस वर्ब। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, लड़का जिसे सीमा ने पढ़ाया था गॉट फर्स्ट डिवीज़न, उसने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की है। ठीक है, उसे फर्स्ट डिवीज़न मिली है। दे, ये आप लोगों का पर्सन हो गया, और ये आप लोगों का पर्सन प्लस वर्ब, तो वे जो भगवान को पसंद करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, वे जो भगवान से प्यार करते हैं डाई यंग, वो युवावस्था में ही मर जाते हैं, वो युवावस्था में ही मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉय हुम, ये पर्सन हो गया, और ये पर्सन प्लस, ये हो गया आपकी वर्ब। अब पर्सन मैं जो बोल रहा हूँ गाइज, इस जगह पे आप लोगों के किसी का नेम आ सकता है। ठीक है,
बॉय गर्ल ये हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोनाउन होगा तो वो भी पर्सन ही है, ठीक है। द बॉय हुम आई मैट यस्टरडे हैज़ कम टूडे, लड़का जिससे मैं कल मिला था वो आज आ गया है। ओके गाइज, आगे हैं आप लोगों के। अब देखिए गाइज, सेंटेंस जो ये जो आप लोगों के रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्वेश्चन हैं वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया जो ब्लैंक में फिल करते हैं, एक होता है गाइज दो सेंटेंस दे देते हैं उनको हमको कंबाइन करना होता है, जोड़ना होता है। तो देखिए इसमें कैसे जोड़ेंगे हम लोग, ऐड कैसे करेंगे। होम से सेंटेंस को जोड़ते समय दूसरे सेंटेंस में से, ध्यान देना, दूसरे सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट कौन कौन से, मी दे हर अस यू, ठीक है, और भी हैं आप लोगों के them, ठीक है, मी दे हर को हटा देते हैं तथा पहले सेंटेंस में क्या करते हैं उस सब्जेक्ट के बाद जो whom दे रखा होता है ना उसे जोड़ते हैं जिसके लिए दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया हुआ था। इसको समझना वापस, whom से सेंटेंस को जोड़ते समय दूसरे सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट, जैसे मी, ये सॉरी गाइज दे नहीं है, ये them है, ठीक है, ये हर है, मी हो ही गया अपना, अस हो सकता है, ठीक है ना, यू वाला है तो यू योर यू थर्ड वाला यू है, वो उनको हटाना पड़ता है हमको गाइज इस होम से जब हम लोग कंबाइन करते हैं जोड़ते हैं। और क्या करते हैं पहले सेंटेंस में से उस सब्जेक्ट के बाद होम लगा देते हैं जिसके लिए दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया गया था। जैसे अब देखिए, रवि इज़ ए पुअर बॉय, एक सेंटेंस तो ये हो गया, एंड यू हेल्प्ड हिम, सेकेंड सेंटेंस ये हो गया। ऐड कैसे करना है इसमें से, रवि हुम यू हेल्प्ड। अब देखिए यहाँ पे ये यू नहीं हटाना है आपको, हटाना गाइज इसमें ये हिम, रवि इज ए पुअर बॉय, रवि एक गरीब लड़का है, एंड यू हेल्प्ड हिम आपने उसकी मदद की, किसकी मदद की थी उसकी, तो यहाँ पे जो ये हिम दे रखा है, ठीक है ना, ये जो हिम दे रखा है इस हिम को इधर से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, किसकी मदद करने की बात हो रही है, ये रवि की मदद करने की बात हो रही है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये रवि लिख दिया, उसके बाद हुम लगा दिया, किसके लिए आया था ये हुम, रब हुम किसके लिए यूज़ किया हमने, रवि के लिए, और यहाँ पे आप लोगों का इसका ये सब्जेक्ट ये ले दिया, ठीक है ना, और ये हो गया आपका, ये हो गया हेल्प्ड। और हिम का क्या करना है हमको गाइज, हिम को हटाना है, मैंने अभी आपको बताया था जो ये थर्ड रूप दिए होते हैं ना इनके प्रोनाउन के, जैसे आई माई मी का क्या होता है मी, वी आवर अस का क्या होता है अस, दे दियर देम का देम, मैंने अभी इसको बता ही दिया था ये देम है, ठीक है, तो इनको हटाना पड़ता है। और अब क्या करना है आपको, फर्स्ट सेंटेंस का जो शेष वाक्य रह गया ना उसको नोट कर देना है इस तरीके से। और देखते हैं आगे एक एग्जाम्पल, चलो इधर नहीं वो उधर पेज में, ये देखिए, रवि इज ए पुअर बॉय, ये मैंने अभी आपको बताई दी था, आई गैव ए बुक टू मोहन, एक सेंटेंस हो गया गाइज ये, आई गैव ए बुक टू मोहन, और एक सेंटेंस हो गया शी मैट हिम यस्टरडे। अब देखो इसमें आ गया हिम, तो इस हिम को हटाना है, ठीक है, आई गैव ए बुक टू मोहन। अब यहाँ पे मैंने मोहन को एक बुक दी, ठीक है, शी मैट हिम यस्टरडे, वह उससे कल मिली थी, वह उससे कल मिली थी, उससे किससे मिली थी। अब ये हिम किसके लिए आया है, आई के लिए आया है या मोहन के लिए आया, आप नोटिस करोगे ये हिम आया हुआ है मोहन के लिए, किसके लिए आया हुआ है मोहन के लिए, तो जिसके लिए ये फॉर्म दी होती है ना, जिसके लिए आप लोगों के हिम अस ये दिए होते हैं, तो उस नाउन प्रोनाउन जो भी दे रखा है उसके तुरंत बाद आप लोगों को हुम ऐड कर देना है, उसके तुरंत बाद आप लोगों को हुम ऐड कर देना। इसमें ये हिम था ना ये आपके रवि के लिए आया था, तो देखिए मैंने हुम को रवि के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, और इसमें ये जो हिम है वो आया आपके किसके लिए, मोहन के लिए आया है, तो मैं मोहन के तुरंत बाद क्या लगा दूंगा यहाँ पे हुम लगा दूंगा, तो आई गैव ए बुक टू मोहन हुम, उसके बाद क्या करना है आपको, शी मैट और हिम को अपन ने क्या कर दिया था, इरेज कर दिया था, हटा दिया था, रिमूव कर दिया था, क्या रह गया था सिर्फ हमारे पास यस्टरडे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब और एग्जांपल, द बॉय हैज सेटल्ड एब्रोड, एक एग्जांपल ये हो गया और एक एग्जांपल हो गया यू टॉट हिम। अब यहाँ पे द बॉय हैज सेटल एब्रोड, एब्रोड यानी क्या होता है विदेश, ठीक है, लड़का विदेश में सेटल हो गया है, एंड यू टॉट हिम आपने उसे पढ़ाया था, किससे पढ़ाया था पहले ये पता कीजिए,
ये हिम आ रहा है, किसको पढ़ाया था, लड़के को, तो बॉय के साथ आपको होम को ऐड कर देना है। ये बॉय हो गया, होम हो गया, ठीक है ना। होम, होम के बाद क्या करना है आपको, यू टॉट, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो है आप लोगों का, इसको नोट कर देना, है सेटल एब्रॉड, क्लियर। नेक्स्ट, आई हैव मेट द टीचर, द सी एम हैज़ अवार्डेड हिम। आई हैव मेट द टीचर, मैं एक टीचर से मिला, द सी एम हैज़ अवार्डेड हिम, सी एम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री ने उसको अवार्ड दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, टीचर से मिला, मुख्यमंत्री ने उसे, अब ये हिम किसके लिए आया, टीचर के लिए, हिम किसके लिए आया हुआ यहाँ पे, टीचर के लिए, तो हम लोग टीचर के साथ करेंगे। तो कहता आई हैव मेट द टीचर, यहाँ तक हो गया, और हुम आ जाएगा क्योंकि टीचर के लिए यूज़ किया था ना हिम, और उसके बाद द सी एम अवार्डेड, हैज़ अवार्डेड, हिम तो हटा ही दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये था आपका पिछला जो गाइज हुम का यूज़। अब है हमारे वाट, वाट का जो होता है गाइज सेंस जो और जो कुछ, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात गाइज, वाट में जो चलता है ना, वाट में आप लोगों के चलता है आइडिया, क्या चलता है गाइज, आइडिया, या फिर आप लोगों के चलते हैं थॉट, स्पेशली ज़्यादातर क्या चलते हैं इसमें, थॉट, ठीक है ना, ये चलते हैं इसमें सबसे ज़्यादा। वाट का, वाट के पास अपना खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता, एंटीसीडेंट यानी क्या होता है गाइज, पूर्व पद, ठीक है ना, ये नहीं होता। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, कोई बात हो, ठीक है ना, मैंने बताया ना अभी आपको आइडिया, और ये इनके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यह उस संज्ञा का उल्लेख नहीं करता जो इसके पहले आती है, ये भी इसकी एक पॉइंट है। यदि कोई सेंटेंस रिक्त स्थान से ही प्रारंभ हो जाए, यानी कहना ये चाहता है कि ये कि स्टार्ट में आपके क्या दे रखा हो, स्टार्ट में आप लोगों के दे रखा हो कोई ब्लैंक, और उसके बाद उसने कोई सेंटेंस दे रखा, तो वहाँ पे 100 में से 80% गाइस उसमें वाट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, ये इसने स्टार्ट में ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्लैंक, और अपने पास सेंटेंस गाइस कैन नॉट बी टोल्ड, तो यहाँ पे आपको मान लो गाइस ऑप्शन में दे दे व्हाट, व्हेन, वेयर, ये इनमें से मान लो और कुछ विच, हु दे दे, तो आप लोगों को यूज़ क्या करना है इसमें, व्हाट, मैंने आपको बताया ना, स्टार्ट में ही अगर आप लोगों के ब्लैंक आ जाए, रिक्त स्थान आ जाए, तो वहाँ 80% चांस रहते हैं कि वहाँ पे व्हाट का यूज करना है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसके, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के तुरंत बाद रिक्त स्थान हो, स्टार्ट में रिक्त स्थान दे रखा हो, ब्लैंक दे रखा हो, या फिर कोई वर्ब आ रही हो और वर्ब के तुरंत बाद फिर रिक्त स्थान दे रखा हो, तो उसमें भी ज़्यादातर हम लोग किसका यूज करते हैं, मोस्टली व्हाट का यूज करते हैं। जैसे देखिए दैट वाज, ठीक है ना, ये वाज, वाज क्या है हमारी, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या दे रखा है इसने, ब्लैंक, रिक्त स्थान, तो वर्ब के तुरंत बाद अगर ब्लैंक दे रखा हो, रिक्त स्थान दे रखा हो, तो वहाँ पे भी चांसेस रहते हैं कि हम लोग किसका यूज करें, व्हाट का यूज करें। दैट वाज व्हाट ही डिमांडेड, ठीक है ना, ये वही था जिसकी डिमांड की गई थी। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या दे रखा हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा हो, उसके तुरंत बाद कोई ब्लैंक दे रखा हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे करके, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दे करके, और उसके तुरंत बाद आपको ब्लैंक दे रखा हो, तो वहाँ पे भी आप लोग व्हाट का यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल, इसने दे रखा है टेल हिम, तो ये टेल तो हो गई आपकी वर्ब, और ये है आप लोगों का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा वाला है ये गाइस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो होते हैं ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो कोई थिंग्स, कोई वस्तु आ जाती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में गाइस इनके सबके थर्ड फॉर्म, हिम, मी, अस, देम, हिज, सॉरी हिम, ठीक है, हर, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आप लोगों की वर्ब हो गई, जैसे मैंने बताया ना आपको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई ब्लैंक दे रखा हो, तो उसमें आप लोग मोस्टली क्या फील करोगे, व्हाट का यूज़ करोगे। कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल और हैं, टेल हिम व्हाट ही आस्क, उसे बताओ जो वह पूछता है, उसे बताओ जो वह है पूछता है, यहाँ पे जो आया देखिए, ठीक है, आया ना जो, और इसमें दैट वाज, यह वही था जिसकी डिमांड थी, या जो डिमांडेड था, डिमांडेड मतलब जिसकी मांग ज़्यादा थी, ठीक है, इस तरीके से। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं इसके, तो गाइज व्हाट यू से इज़ नॉट राइट, व्हाट यू से इज़ नॉट राइट, जो तुम कहते हो, जो तुम कहते हो इज़ नॉट राइट, वो सही नहीं है, तो जो आया यहाँ पे, ठीक है ना, एक बात की बात हो रही है ना इसमें कोई, आई डू नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, व्हाट यू से, जो तुम कहते हो, मैं विश्वास नहीं करता जो तुम कहते हो, या फिर जो तुम कहते हो मैं उस पर विश्वास नहीं करता,
हूँ, ठीक है। तो व्हाट आ गया जो, टेल मी व्हाट योर आंसर विल बी, टेल मी मुझे बताओ, व्हाट योर आंसर विल बी जो आपका आंसर होगा, मुझे बताओ जो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी एक थिंक, एक बात आई हुई है, एक थॉट्स आया हुआ है, एक आइडिया आया हुआ है। वी कांट गिव, हम नहीं दे सकते, वी कांट गिव का मतलब हम नहीं दे सकते, यू यानी आपको, व्हाट यू नीड जिसकी आपको ज़रूरत है या जो आप चाहते हो, जिसकी तो आपको आवश्यकता है, वो हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ और एग्जांपल, पार्डन मी गाइस, पार्डन यानी होता है, पार्डन मीन्स भी होता है गाइस, मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें। आई डिडंट हेयर, मैंने नहीं सुना था, व्हाट यू सेड जो आपने कहा था। तो गाइस मुझे माफ़ करें, आई डिडंट हेयर मैंने नहीं सुना था, व्हाट जो यू सेड आपने कहा था। आई से मैं वही कहता हूँ, व्हाट यानी जो, आई मीन यानी मेरा मतलब होता है, तो मैं वही कहता हूँ जो मेरा मतलब होता है, तो ठीक है जो आया। आई नो व्हाट यू थिंक, मैं जानता हूँ जो आप सोचते हो, मैं जानता हूँ जो आप सोचते हो, ठीक है। एंड ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर, ही फाउंड उसे वो मिल गया जो ही वाज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर यानी क्या होता है, ढूंढना, किसी चीज़ की खोज करना, तो उसे वो मिल गया जो वह खोज रहा था। तो गाइज आई होप कि आपको ये सारे व्हाट और हुम का यूज़ समझ में आया होगा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। गाइज अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हो, आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज, ताकि अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।